साग जल गया। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब होंगे बहुत बढ़िया। एक बार फिर से मैं आपको लेके आ चुका हूँ काफी इंटरेस्टिंग जगह, और जो कि काफी फेमस है, ये सच में बहुत फेमस है। तो मैं आया हूँ आज आपको लेकर चौकीदानी। जी हाँ, राजस्थान वाली नहीं लेकिन सोनीपत वाली। तो दिल्ली NCR अम्बाला तक के लोग यहाँ पर आते हैं, काफी एंजॉय करते हैं, काफी फेमस है राजस्थानी पूरा कल्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो अंदर चलेंगे, एंजॉय करेंगे। इस वीडियो में आपको इसका टिकट प्राइस भी पता लग जाएगा, टाइमिंग बता दूंगा, सो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों का शेयर करिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, खुशी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं आज चौकीदानी। चौकीदानी की लोकेशन की बात कर ली जाए तो ये सोनीपत गन्नौर में पड़ती है, बिल्कुल ही आप देख सकते हैं हाईवे पे है, बाहर रोड पर ही। अपनी गाड़ी वगैरह से आप आते हैं तो आपको यहाँ पर फ्री पार्किंग बाहर ही काफ़ी स्पेस है, मिल जाती है गाड़ी बाइक से। बाकी तो यार ऐसी जगहों पर अपनी बस वगैरह से तो आप आना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है। बाकी पानीपत जाती हुई बस ले सकते हैं, यहाँ पर बाहर ही उतार देगी आपको, लेकिन रात को फिर वही रहता है आने जाने में। और ये देखिए आप यहाँ पर लोकेशन काफ़ी ही जो है आरती साथ है, और इधर जो है ये सारा का सारा इनका पार्किंग एरिया है। टाइमिंग की बात कर लूँ तो ये इवनिंग में जो है 5:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ओपन रहती है, और 365 दिन ये ओपन रहती है चौकीदानी। सो भाई हमने अपनी टिकट ले ली है और अब अंदर चलते हैं। टिकट प्राइस की बात कर ले तो जो है ना बच्चों की 700 रुपये रहती है 5 से 10, और बड़ों की जो होती है 1000 रुपये रहती है। 5 साल से छोटे बच्चे की एंट्री फ्री रहती है। लो जी एंट्री हो गई। राम राम साह जी, राम साह। ओके जी, सो ये एंट्री होगी हमारी दानी में। बड़ा मज़ा आने वाला है यहाँ पे, उल्टू आते ही आपको मिल रही है यहाँ पर एक, लो जी जलजीरा भी है। तो ये देखिए वेलकम ड्रिंक के बाद आपको साथ ही साथ चाय पकौड़े भी चल रहे हैं। जैसे आए हैं आप इवनिंग में कुछ खाने का मन करता है तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर मिलती रहती हैं, कड़ी कचौड़ी चाय पकौड़ी। अच्छा एक ही देना बस। हाँ हाँ अच्छा, कड़ी कचौड़ी है ये और वो चाय पकौड़ी। सो भाई आते ही यहाँ पर वेलकम शुरू हो गया बढ़िया सा खाने पीने के साथ। चौकीदानी जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पर। थोड़ी सा रात हो जाएगी जैसे ही अंधेरा भी देखना और मज़ा आएगा। ये है कड़ी पकौड़ी, कचौड़ी हाँ पकौड़ी तो लगती भाई। सो आते ही देखो आपको खाने का दिखा दिया पहले ही। मेरा भाई भारी वाला घंटा है यहाँ का, यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी बढ़िया जगह है ये। ये देखो भाई निशानेबाजी के खेल है यहाँ पर। सो ये आपकी टिकट में इंक्लूड रहती हैं ये एक्टिविटीज़ भी। हाँ चलो और क्या। सो ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो है आपके टिकट में रहने वाली है। यहाँ पर आर्चरी है देखिए ज़रा, ये देखिए इधर क्या है, सेम वही। अच्छा बास्केट बॉल, ये यहाँ पर आपको बॉल उठानी है और वो मटके के अंदर डालनी है। ये थोड़ा सा बुरा जाता है, जाती नहीं है, ट्राई कर लेते हैं, नहीं गई। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको काफ़ी सारी राइड्स करने को मिलती हैं, कैमल बुल कार्ट। तो चलिए सारी की सारी आपको राइड्स दिखाते हैं हम। सो ये ट्रैक्टर राइड करेंगे इसमें, यहाँ खड़े हो जाएंगे, चलो आए। तो देखो भाई इसमें ऐसे अरे ऊपर उठ गया, ये है बढ़िया वाला देसी स्टाइल, बिल्कुल बढ़िया मस्त। ये देखो सो भाई बुल कार्ट राइड यहाँ पर करते हुए। लो जी हमारा कैमल चलने को तैयार।
अब हम चल रहे हैं कैमल कार्ट राइड पे। सवारी सवार हो चुकी है। वो चल गया। लो जी अपना कैमल चल दिया। तो जिप लाइन भी है यहाँ पर। कैमल चल दिया है। अड़े घूमर 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 घूमे। लाइक 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 सब्सक्राइब सब्सक्राइब। ट्रेन भी है बच्चों के लिए, क्या पता हम भी बैठ जाए। तो भाई हम जा रहे हैं। अच्छा नहीं मतलब धक्का तो तुम ही दोगे जिप लाइन करने। तो यहाँ पर ट्रेन राइड भी है जो आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेन राइड वो काली राही वाला आगे खड़े हो जाता है। यहाँ तो शायद राजस्थानी कुछ स्टॉप और टॉयज वगैरह मिलते हुए मीना बाजार, ये मीना बाजार बना रखा है यहाँ पे इन्होंने। ये देखिए जूतियाँ और वो पड़ी हैं, चप्पलें, बैग है राजस्थानी, कुछ टॉयज हैं। एक सेक्शन इन्होंने यहाँ पर म्यूजिक का बना रखा है, डीजे फ्लोर, बहुत ही बढ़िया लाइटिंग, गाने में ट्राई कर। तो इस जोन में जो है आपको वेरियस एक्टिविटीज़ रोप्स की करने को मिल जाएंगी। पूरा रोप कोर्स भी बना हुआ है एक जो आप कर सकते हैं। लोग कर रहे हैं अभी, हम नहीं कर रहे, हम थके हुए हैं। दूसरा शूट है हमारा आज का, ये मेरा गांव मेरा देश गए थे, आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, डाल दिए चैनल पर। ये देखिए ऐसे आप यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ इन्जॉय कर पाएंगे जो होती है ना। ये देखिए उधर लोग करते हुए, ये पूरा बना हुआ है ऐसे। सो चौकीदानी में भी काफ़ी एडवेंचर चीज़ें अपना जो है वो डाल दी गई हैं। ये ऐसे आपको बेल्ट वगैरह सेफ्टी बेल्ट ऐसे कर देंगे तैयार, जैसे कि भाई गिरने का अपना वो ना रहे डर। और ये सारी जो है आप एंजॉय कर पाएंगे यहाँ पे। सो ये देखिए अंधेरे में लाइटें जलने के बाद एक अलग ही जो है रूप आ रहा है यहाँ का निखर कर। एक छोटी सी कैमल राइड पे हम दोबारा निकल गए आपको दिखाने के लिए रात का पूरा सीन। सो आप देख सकते हैं किस प्रकार से छोटे छोटे लैंप्स जो जले हुए हैं वो काफ़ी सुंदर लगते हुए यहाँ पर। सो इस तरीके से यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा लगता हुआ। सो ये देखिए यहाँ पर है गुफा,
सो आओ देखो अंदर चलें। और तेरी बूत भी अंदर तो, अरे बाप रे, ओहो हो, थोड़ा सा वैसा अंधेरा सा है मतलब, लेकिन वाह। तेरी तो ड्राई जा रही है। सो ये अंदर एक ओह भूत भी अंदर, ये देख रहे हो, ओह जिंगा लाला हो, ये है राक्षस देवता, जय हो राक्षस देवता, हमारा जो है ये क्या कहते हैं हमारे को आशीर्वाद दे कि सब्सक्राइबर फटाफट से 100,000 हो जाए। जिंगा लाला हो। तो यहाँ पर मेहंदी भी लिखा है, मेहंदी भी आप लगवा सकते हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं वो मेहंदी लगा रहे हैं। चलो भूल भुलैया मैं लेके चलता हूँ आपको मैं। अरे यहाँ तो बिल्कुल ही अंधेरा भाई। ओ रास्ता ढूंढो, आरती जो मेरे पीछे ही आ गई है कि जैसे मैं सही जा रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सही जा रहा हूँ, लग रहा है। सही हो रहा डांस राजस्थानी, ओ वाह। ये कांच पे चढ़ रहे हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया। पंडित जी भी बैठे हैं भाई यहाँ पर, जो ना आपका भविष्य बता रहे हैं। ये पंडित जी, एक और पंडित जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, ज्योतिष विद्या चलती हुई यहाँ पर, ये भविष्य सुधार देंगे आपका। तो दूध वगैरह पीने का मन कर जाए तो यहाँ पर आपको केसर मलाई मिल रहा है 50 रुपये गिलास, कुल्लड़ में मिल जाएगा ऐसे आपको। सो यहाँ पर जी वही ड्रेस वाला सिस्टम, पगड़ी है यहाँ पर, ड्रेस तो नहीं है पूरी, बट आप पगड़ी बंधवा के अपना बनवाएंगे यहाँ पर, पगड़ी बंधवा के ये ज़्यादा बढ़िया है, बांधेंगे आपके और फिर आप अपना फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं यहाँ पर। हुक्का वुक्का भी रखा हुआ है, मंजियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर, इस तरीके से ये पगड़ी बांध देंगे देखो। तो ये यहाँ पर जो है आप ये भी कर सकते हैं, उक्का भी पड़ा है, आपको कराते हैं यहाँ का डिनर। ये देख रहे हो ऐसे सेटिंग मिल जाती है यहाँ पर। यहाँ पर बैठेंगे ऐसे, सो यहाँ पर देखो जी ये सेठ साहब जी जो है यहाँ पर आपको ऐसे भोजन खिलाते हैं राजस्थानी स्टाइल में, आपको मिलेंगी चीज़ें। और ये इसकी चार्ज ख़त्म हो गई है, ऐसे टेंशन है, चार्ज और मिल जाएगी, चार्ज भी मिली है, रेट लग रही है अभी। 4 सब्जियाँ आ रही हैं जिसमें कड़ी साग होगा और क्या राजस्थानी दाल बाटी होगी, दाल बाटी नहीं होगी, होगी गट्टे की सब्जी। देखो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी डालना, जो भी डालो बहुत थोड़ी, हाँ कड़ी दाल ठीक है बस। ये लो जी देखो साग डल गया, पनीर मैं थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, दाल मखनी, अब हो गई मेरी प्लेट तैयार, छाछ गट्टा, ये देखो वाह भाई वाह, है ना सुंदर सी। सो भाई जो है अपना डिनर हो गया और डिनर करके हमें आया काफ़ी मज़ा, काफ़ी अच्छा डिनर था, राजस्थानी स्टाइल में सारा कुछ खिलाते हैं, बड़े प्यार से खिलाते हैं, सबसे बड़ी बात है आपने देखा ही क्या क्या आया था खाने में। और अभी जो है एक दो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, सपेरा वगैरह और पपेट शो या कुछ ऐसा रह गया है जो वो आपको दिखाते हैं, तो फिर यहाँ से निकलेंगे क्योंकि भाई बाइक से भी जाना है, रात को 8 भी बज चुके हैं। चलिए सपेरा,
बच्चे भी यहाँ पर अपना इसमें एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जो है पपेट शो भी है, पपेट शो का भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर लोग एंजॉय करते हुए क्योंकि फुर्सत नहीं है काम से, थोड़ा वक्त निकालो फिर करेंगे बातें आराम से। देखो ध्यान लगाना, मेरा जादू स्टार्ट हो रहा है। बोलूंगा छू मंतर जाओ, तुम्हारी कला बताओ। देखो सर खाली, जादू की छड़ी जमीन पर, हाथ पर खाली, मट्टी उठाया बोला घुचड़ू। देखो जिन्हें जहाँ जगह मिल रही है वो बैठ जाओ प्लीज, मुझे ऑडियंस चाहिए बैठी हुई। बैठ जाइए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कलाकारी क्या चीज होती है। मेरे को पता है आप कैसे सर मारे हो, क्योंकि बाहर मैं भी तो आपकी तरह ही रहता हूँ, इसलिए मैं सारी जानता हूँ। दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया चौकीदानी, जो कि काफी फेमस है और मतलब काफी मजा आता है यार। यहाँ पर जो है ना आकर आपका पूरा पैसा वसूल हो जाता है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने स्टार्टिंग में दे दी थी, टिकट प्राइस वगैरह। तो इसलिए वीडियो को अगर आपने एंड तक नहीं देखा और स्किप करके देखा है तो वापस जाइए पूरा देखिए, जिससे कि आपको ना जानकारी मिल पाएगी कि यहाँ पर क्या क्या था, क्योंकि मैंने सब कुछ दिखाया है। और खाना भी जो रिव्यू रहता है लोग पूछते हैं वो भी बढ़िया था। तो चलिए वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि खुशी मिलती है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे एक नई लोकेशन पर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।